बहुत से लोगों का मानना है कि बर्तन धोना घर के लेडीज का काम है और मॉम और वाइफ तो है ही बर्तन धोने के लिए, तो डिशवॉशर पे खर्चा क्यों करें। तो अगर आप भी यही सोचते तो ये एपिसोड ध्यान से देखिए, क्योंकि आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी नवित सुजाता के इस एपिसोड में। वेलकम बैक दोस्तों, बर्तन धोने का काम बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है और लेडीज का ज्यादा समय बर्तन धोने में ही निकल जाता है, फिर भी सिंक आपको कभी भी खाली नहीं दिखाई देगा। और वर्किंग लेडीज के लिए तो और भी त्रासदायक हो जाता है बर्तन साफ करना। डिशवॉशर में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं बर्तन लगाने में, उसके बाद मशीन स्टार्ट कीजिए और दूसरे काम में लग जाइए, ऑफिस निकल जाइए। आपके आने से पहले बर्तन धुल के सूख जाएंगे। बर्तन धोना एक रेपिटेटिव टास्क है, बहुत ही बोरिंग है, पर करना ही पड़ता है, जिसकी वजह से मेंटली और फिजिकली थकान महसूस होती है। डिशवॉशर में बहुत सारे बर्तन एक साथ धुल जाते हैं, मतलब 90% काम डिशवॉशर करती है, आपके लिए सिर्फ 10% काम बचता है जिसमें बर्तन लगाना और निकालना शामिल है बस। बहुत सी लेडीज को बर्तन साफ करने वाले बार सूट नहीं होते, जिनकी वजह से उन्हें एलर्जीज होती है और हाथ रूखे सूखे और कड़क हो जाते हैं। डिशवॉशर में आपका डिटर्जेंट के साथ कोई भी संपर्क नहीं होता है। हाथों से बर्तन धोने में ज्यादा पानी कंज्यूम होता है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही कम पानी में बर्तन धोते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये प्रूफ हो चुका है कि डिशवॉशर में हाथों के मुकाबले 60% कम पानी यूज होता है। हमारे समाज में आज भी घर के मेल बर्तन नहीं करते, तो ये काम हमेशा औरतों का ही करना पड़ता है, चाहे उनका मन हो या ना हो, या फिर उनकी तबीयत ही क्यों ना खराब हो, ऐसे बर्तनों के ढेर लग जाते हैं। पर अगर डिशवॉशर है तो घर का कोई भी मेंबर ये काम आसानी से कर सकता है, क्योंकि इसमें बर्तन सिर्फ मशीन में लगाने होते हैं, स्क्रबिंग या घिसने की या फिर हाथ खराब करने की कोई जरूरत नहीं, और सारा काम यूं चुटकियों में हो जाता है। बर्तन धोने के बाद उसे सुखाना भी पड़ता है, मतलब औरतों के पास सिर्फ बर्तन धोने का काम ही नहीं होता, उसे सुखाना भी पड़ता है, मतलब उसको किसी साफ कपड़े से पोंछना भी पड़ता है ताकि उस पर कोई दाग ना रहे। लेकिन डिशवॉशर में बर्तन ना ही सिर्फ धुल के निकलते हैं बल्कि सूख के भी निकलते हैं एकदम चमचमाते हुए, ताकि आप उसको डायरेक्ट आपके ड्रॉवर्स में लगा सकें। इन रीजंस को जानने के बाद अगर आपको फिर भी लगता है कि इससे बेटर तो मेड रख लेते हैं, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ले लीजिए। एक तो वो टाइम पे नहीं आएगी, दूसरे बर्तन अच्छे नहीं निकलेंगे, तीसरा पानी बहुत वेस्ट करेगी, और लास्ट अगर वो नहीं आई तो समझ लीजिए कि आपके लग गए, मतलब वो आपके हिसाब से नहीं चलेगी, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, और डिशवॉशर है तो वो आपके हिसाब से चलेगा। दोस्तों आपको बता दूं कि रात को झूठे बर्तन रखकर नहीं सोना चाहिए, और मैं ये फॉलो कर पा रही हूँ जब से डिशवॉशर आया है। रात को बर्तन लगाकर सो जाती हूँ और सुबह उठो तो बर्तन हो चुके होते हैं। अब सारे बर्तन डायरेक्ट मशीन से निकालकर शेल्फ में चले जाते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से ड्राई और सैनिटाइज होकर निकलते हैं, सो सुखाने की और टॉवल से पोंछने की नो झंझट। दोस्तों ऐसा नहीं है कि डिशवॉशर में सब कुछ अच्छा 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 ही है, पर जैसे हर घर के कुछ नियम होते हैं, वैसे ही डिशवॉशर को यूज करने के भी कुछ नियम है। जैसे कि इसमें अलग टाइप के डिशवॉशर टैबलेट लगते हैं और साथ में चमक लाने के लिए रिंस एड जैसे लिक्विड लगते हैं, जो कि हाथों से धोने वाले बार या लिक्विड से थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। इसमें ज्यादा जले हुए बर्तन या दूध के बर्तन नहीं निकलते हैं। इसमें झूठन को अच्छे से निकालकर बर्तनों को डालना पड़ता है, ताकि अन्न के कण मशीन में फंस ना जाए। इसमें एल्यूमिनियम के बर्तन, चीप लेवल के प्लास्टिक के डिब्बे और बर्तन, कैसरोल्स, तांबे के बर्तन और लोहे के बर्तन नहीं डाल सकते, क्योंकि प्लास्टिक एक्सट्रीम टेम्परेचर में शेपलेस हो जाता है और एल्यूमिनियम, तांबा और लोहा काला पड़ जाता है। और वैसे भी एल्यूमिनियम के बर्तन और चीप प्लास्टिक के बर्तन हेल्थ और हाइजीन के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो आपको एक मौका मिल जाता है बर्तनों को चेंज करके नए स्टील के बर्तन लाने का। तो दोस्तों मेरा मानना है कि बर्तन धोने जैसे रेपिटेटिव हार्ड वर्क की जगह थोड़ा स्मार्ट वर्क किया जाए और घर में डिशवॉशर लाकर अपनी मॉम या वाइफ की जिंदगी को थोड़ा सा आसान किया जाए। और अगर मेरा ये एपिसोड देखकर आपको कहीं पर भी जरा सा लगे कि हाँ मुझे डिशवॉशर लेना चाहिए, तो अपनी फैमिली के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिशवॉशर ले। जैसे कि मेरे पास IFBK की 15 प्लेस सेटिंग वाला डिशवॉशर है, जो 4 to 5 मेंबर्स के परिवार के लिए काफी है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले। मेरे पास IFBK है, पर आप किसी भी ब्रांड के साथ जा सकते हैं।
रियली दोस्तों, घर में डिशवॉशर हो तो बहुत फर्क पड़ता है, और अगर आप अफोर्ड कर सके तो डिशवॉशर जरूर लें, एंड आई प्रॉमिस यू वोंट रिग्रेट फॉर दैट। तो मैंने कुछ हाई परफॉर्मेंस डिशवॉशर के ब्रांड के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो होप करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको यूजफुल लगा होगा। डिशवॉशर लेने से पहले या लेने के बाद भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर भेजें, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लाती हूँ इंटरेस्टिंग और यूजफुल प्रोडक्ट विथ लॉट्स ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन। तो मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी।